वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो 75.25 रिसेंटली ट्रेडिंग करा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक 1 पॉइंट की गिराव देखने को मिले, स्टॉक के अंदर 1% से ज्यादा गिराव देखने को मिले। पिछले 2-3 दिनों से एक अच्छी तेजी के साथ ऊपर यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आ चुका था, पर रिसेंटली हल्की से रिट्रेसमेंट प्रॉफिट बुकिंग भी आप बोल सकते हैं देखने को मिल रहे। न्यूज की बात की जाए तो करंटली देख सकते कोई खास न्यूज सामने तो नहीं दिखाई दे रहे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के लिए। तो बाकी के जो डिटेल है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए, जैसे कि देख सकते हो कि प्रीवियस क्लोजिंग थी 76.20, आज ओपन हुआ था स्टॉक गैप अप से ऊपर। ओपन होते ही यहाँ पे एक स्टॉक ने प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट दिया और गिराव देखने को मिले। नीचे देख सकते हो कि 75 लेवल यहाँ पे रिसेंटली सपोर्टिव एक्ट हो रही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के लिए। मार्केट कैप जो है 1 लाख करोड़ के ऊपर स्टेबल है, पी रेशो 8.99 जो कि अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और डिविडेंड की बात की जाए तो 11% का डिविडेंड यील्ड भी है। लास्ट 5 डेज की बात की जाए स्टॉक के अंदर तो देख सकते 7% का रिटर्न दे चुका है स्टॉक लास्ट 5 डेज के अंदर। तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात की जाए तो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम जो है 1,08,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। वॉल्यूम के साथ ट्रेडेड वैल्यू जो है 8,241 लाख की ट्रेडेड वैल्यू भी देखने को मिले। तो बाइंग के लिए 34 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है, तो सेलिंग के लिए जो है 60 लाख क्वांटिटी पेंडिंग दिखाई दे रहे। सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजीशन की भी बात की जाए तो देख सकते हैं कि क्वांटिटी जो ट्रेडेड है 96 लाख, उसमें से 49 लाख डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, मीन्स 50 लाख, मीन्स यहाँ पे 51% क्वांटिटी जो है नेक्स्ट डे होल्डिंग के लिए चले गए। चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो पिछले 3 दिनों से स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिले। ब्लू कलर की जो लाइन थी 200 मूविंग एवरेज उसको ब्रेक किया था और कल यहाँ पे आप देख सकते ऊपर था, पर आज यहाँ पे हल्की सी रिट्रेसमेंट देखने को मिले, पर यहाँ पे 75 सपोर्टिव एक्ट हो रहा है।